दोस्तों अभी तक रूमर्स आ रहे थे कि रिलायंस अपनी जल्द से जल्द डीटीएच सर्विस को स्टार्ट कर देगा, लेकिन आप उसका इतना ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे कि आपको ये कंफर्म नहीं था कि रिलायंस अपनी डीटीएच सर्विस को किस प्राइस में लॉन्च करेगा और कब लॉन्च करेगा। दोस्तों अब आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है, आप आराम से घर बैठे बैठे उसको बुक करा सकते हैं रिलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। उसका आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा रिलायंस की डीटीएच सर्विस का जो प्राइस है वो कितना है और आप उसको किस तरह से परचेज कर सकते हैं और आपके लिए किस तरह फायदेमंद रहने वाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश तनवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, रिलायंस ने अपने डीटीएच सर्विस स्टार्ट कर दी है इंडिया के अंदर, जिसको आप एक मार्च से एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रिलायंस जियो ने ऐसा काम नहीं किया है, ये काम किया है रिलायंस ने। रिलायंस जियो की जो चेयरमैन है वो है मुकेश भाई अंबानी और जो रिलायंस के चेयरमैन है वो अनिल अंबानी ये वाला कदम लेकर आए हैं इंडिया के लिए। यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि रिलायंस 500 फ्री में चैनल दे रही है, जो कि एयर टू चैनल है, जहाँ पर आपको 5 साल तक फ्री में चैनल देखने को मिल जाएंगे और जो पेड चैनल्स हैं वो आपको 1 साल तक देखने को फ्री मिल जाएंगे। दोस्तों फ्री में इतने सारे चैनल्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टू होम है मतलब कि डीटीएच की सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब मैं बताऊंगा आपको इसका प्राइस क्या है और ये कैसे मिल सकता है आपको। कस्टमर्स 1 मार्च सुबह 10 बजे से रिलायंस बिग टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेटअप बॉक्स के लिए प्री बुकिंग कर सकते हैं। बिग टीवी के लेटेस्ट सेटअप बॉक्स में ग्राहकों को शेड्यूल रिकॉर्डिंग, यूएसबी पोर्ट, YouTube एक्सेस और टीवी शो देखते हुए रिकॉर्डिंग करने के जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं और यहां पर इसकी बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है। बुकिंग के लिए आपको ₹499 का भुगतान करना होगा। जब आप ₹500 मतलब कि ₹499 दे देंगे बुकिंग के टाइम पर, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट जो डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे आ जाएगा आपकी डीटीएस रिलायंस की, तो तब आपको जो डिलीवरी के टाइम पर आपको ₹1500 पे करने होंगे डिलीवरी बॉय को। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने बताया था 1 साल तक इसकी सर्विसेज फ्री रहने वाली है। जो आपके पेड चैनल्स हैं वो उसकी सर्विस आपको 1 साल तक फ्री रहने वाली है और जो यहाँ पर फ्री वाले चैनल्स हैं 500 फ्री चैनल्स हैं उनके 5 साल तक आप फ्री में देख सकते हैं। यदि आप पेड चैनल्स को फिर भी देखना चाहते हैं 1 साल के बाद, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको ₹300 का पर मंथ रिचार्ज कराना पड़ेगा अगले 2 साल तक। मतलब कि 3 साल हो गए टोटल मिला के, 1 साल तो फ्री वाला कंटेंट हो गया और 2 साल में आपको ₹300 पर मंथ रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब कि जो आपको चैनल्स मिलते हैं पेड चैनल्स और फ्री चैनल्स सभी के सभी सर्विस देखने को मिल जाएगी। जो आपको लगातार 1 साल तक फ्री सर्विसेज देखने को मिली है वो सारी की सारी सर्विसेज आपको अगले 2 सालों में भी मिल जाएंगी यदि आप ₹300 का पर मंथ रिचार्ज कराते हैं। तो उसके बाद आपको 2 साल के बाद, मतलब कि 1 साल वो और 2 साल ये, जब आप पेड कर रहे हो अपने पेड चैनल्स उनके लिए पैसे दे रहे हो, तो 2 साल वो मतलब कि टोटल मिलाकर 3 साल, 3 साल के बाद जब आप इस रिचार्ज को करा लेते हैं तो उसके बाद आपको ₹2000 कैशबैक दे दिया जाएगा रिलायंस की तरफ से। मतलब कि जो आपने पैसे खर्च किए थे ₹2000 एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जब आपने ये रिलायंस का डीटीएस खरीदा था उस टाइम पर आपने ₹2000 दिए थे, ₹500 तो बुकिंग के टाइम पर दिए थे और ₹1500 दिए थे आपने जब डिलीवरी आई थी आपके स्मार्ट जो प्रोडक्ट की डीटीएस की आपके घर पे उस टाइम पर, तो ₹2000 आपको कैशबैक कर दिया जाएगा 2 साल के बाद, मतलब टोटल मिलाकर 3 साल के बाद। तो यहाँ पर ये कैशबैक कर दिया जाएगा, ये आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी आप चैनल चलाना चाहते हैं आपके रिलायंस के डीटीएस सर्विसेज में, उन चैनल को सिलेक्ट करके आप हर महीने रिचार्ज करा सकते हैं और कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। हालांकि ये सभी जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं सभी से सस्ता रहने वाला है, बिकॉज यदि आप एयरटेल के प्लान हैं और दूसरे पे जो वीडियोकॉन वगैरह है या फिर टाटा स्काई वगैरह यूज करते हैं तो उनके प्लान आपको बहुत ज्यादा महंगे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इतना सस्ता जो रिचार्ज मिलता है आपको ₹300 में सभी जो पेड चैनल्स हैं फ्री में मिल रहे हैं, तो ये काफी हद तक अच्छी बात रहने वाली है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस करने को मिल जाएंगी, ये बिल्कुल स्मार्ट डीटीएच है। दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे डीटीएच सर्विसेज मिल रही हैं आपको, एयरटेल वगैरह, वीडियोकॉन वगैरह, टाटा स्काई वगैरह, तो देखने वाली बात है कि ये अपनी डीटीएच सर्विसेज जो रिचार्जेस हैं उनको कैसे कम करते हैं रिलायंस की डीटीएच सर्विस आने के बाद।
तो आप इसको ले लेना, यदि आपको लेना है तो, और थोड़ा सा वेट कर लेना, शायद आपके जो दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं, डीटीएस प्रोवाइडर्स हैं, वो शायद आपके जो प्लान्स हैं उनको कम कर दे, कम प्राइस में कर दे। यदि कम प्राइस में कर देते हैं तो एक अच्छी कंपटीशन वाली बात हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ही फायदा होने वाला है, कस्टमर्स को ही फायदा होने वाला है कि आप किस तरह से टीवी को यूज करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस टीवी को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं, और मतलब आपके जो यूज कर रहे हैं वो फायदा है या नहीं है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगता है इस टीवी के अंदर, ये टीवी अच्छा लगता है रिलायंस का बिग टीवी जो अभी डीटीएस सर्विस स्टार्ट की रिलायंस ने, या फिर आप जो यूज कर रहे हैं अभी आज के टाइम पर वो वाला टीवी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।